नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की नया विदेशी साइनिंग। फिर हैदराबाद एफसी में अरिदाना कंफर्म होने की बाद दूसरा स्ट्राइकर के नाम सामने आया। पहला अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। हैदराबाद एफसी ऑफिशियली कंफर्म किया है फॉर्मर ओडिशा एफसी स्ट्राइकर अरिदाना सांटाना। जी हां, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अरिदाना ओडिशा एफसी छोड़ चुका है। स्पेन से बिलोंग करता है, उसकी उम्र 33 इयर्स। अरिदाना लास्ट सीजन ओडिशा एफसी में लोन पे आया था। उसने 14 मैच खेल के 9 गोल लगाया है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर माना जाता है। स्पेन में बहुत सारा सुगेंडा डिवीजन क्लब में खेलने की एक्सपीरियंस है उसके पास, और इसने साबित भी किया लास्ट सीजन ओडिशा एफसी में। वैसे हैदराबाद एफसी ऑलरेडी 3 नया विदेशी खिलाड़ी साइनिंग कंप्लीट कर चुका है। अब अरिदाना को मिलकर 4 नया विदेशी साइनिंग कंप्लीट हो चुका है। देखा जाए तो हैदराबाद एफसी में जो फॉरेन साइनिंग हुआ है सभी मिडफील्डर और फॉरवर्ड पोजीशन वाला खिलाड़ी लाया है। अब देखना यह होगा कि हैदराबाद एफसी क्या बाकी फॉरेन स्लॉट में डिफेंडर लाएगा या फिर इंडियन प्लेयर्स को ही रखे। वैसे अरिदाना कंफर्म की बात हैदराबाद एफसी दूसरा स्पेनिश फॉरवर्ड साइन करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। रिपोर्ट मिला कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी साइनिंग कंप्लीट करने वाली है। उसका नाम लुइस मचादू, पोर्टुगल से बिलोंग करता है। उसका उम्र 27 इयर्स, पोजीशन विंगर और स्ट्राइकर में भी खेल सकती है। थोड़ा यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखने की बात ये तो कह सकती है बहुत स्किलफुल वाला प्लेयर, ओपोनेंट की डिफेंस लाइन को आसानी से पार कर सकती है अगर ये प्लेयर फॉर्म में है तो। वैसे लुइस मचादू पोर्टुगल की टॉप डिवीजन और सेकेंड डिवीजन क्लब में खेल चुका है। उसकी लास्ट क्लब मोरिंस एफसी जो टॉप टियर लीग में खेल रहा है। एक एक्सपीरियंस और क्वालिटी के साथ इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में डेब्यूट करेगा। बता दो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस बार बहुत अच्छा से फॉरेन प्लेयर्स को साइनिंग कर रहा है ताकि लास्ट सीजन की तरह कोई मिस्टेक ना हो। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में लास्ट सीजन की अटैकिंग मिडफील्डर फेडेरिको गलेगो रिटेन किया गया है। उसके बाद अफ्रीकन इंटरनेशनल खासा कमरा डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलती है साइनिंग कंप्लीट किया है। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंस करना बाकी है। अब ये पोर्टुगीज प्लेयर लुइस मचादू। दूसरा अपडेट में बढ़ने से पहले एक बुरी खबर। रिपोर्ट मिला कि ओडिशा एफसी टाई अप करने वाली है प्रीमियर लीग जायंट टोटेहम हॉटस्पर क्लब के साथ। बता दो कि ये रिपोर्ट टोटली फेक है। ओडिशा एफसी की ओनर ने ये कहा कि मिस अंडरस्टैंड की वजह से ये न्यूज वायरल हुआ है। उसने ये भी कहा कि अभी के लिए ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, अगर फ्यूचर में चाहते हो तो जरूर टाई अप होगा। दूसरा अपडेट, हीरोज सेकेंड डिवीजन लीग शुरू होने जा रहा है 8 अक्टूबर से, लोकेशन कोलकाता। उसमें 5 टीम पार्टिसिपेट करेगा, मोहनमेडन स्पोर्टिंग क्लब, भवानीपुर एफसी, गरवाल एफसी, बेंगलुरु यूनाइटेड, आरा एफसी। इनमें से जो भी चैंपियन बनेगा वो डायरेक्ट एंट्री मिलेगा हीरो इंडियन लीग 2020-21 में खेलने की। वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट से पालन होगा सभी मेंबर्स के लिए। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने ये रूल्स जारी किया कि जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सभी टीम मेंबर, स्टाफ और ऑफिशियल को 5 स्टार ड्यूलक्स होटल में रखा जाएगा। फिर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा होटल से बाहर जाने की और किसी से भी कॉन्टेक्ट में आने की, ताकि टूर्नामेंट खत्म होने तक सभी प्लेयर स्टाफ सेफ्टी में रहे। अगर ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना।